जब से इसराइल हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ है तब से लेबनान की ओर से इसराइल के खिलाफ हिजबुल्ला समूह ने मोर्चा खोल रखा है। इससे इसराइल और लेबनान का टकराव फिर से जंग में बदलने का अंदेशा जताया जाने लगा है। हिजबुल्ला लड़ाके लगातार उत्तरी इसराइल पर घातक वार कर रहे हैं, चाहे वो रॉकेट हमले हों या फिर ड्रोन अटैक। इसराइल को उत्तरी मोर्चे पर खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसराइल भी इन हमलों का जवाब दे रहा है, जहां इजरायली बलों ने कई हिजबुल्ला लड़ाकों को मारने का दावा किया है, मगर गाजा के साथ साथ इस मोर्चे के खुले रहने से इसराइल पर खासा दबाव बढ़ गया है। उत्तरी इसराइल पर हो रहे लगातार हमलों के बीच बीते 27 जुलाई 2024 को इसराइल ने कब्जे वाले गोलन हाइट्स को लेकर बड़ा दावा किया। इसमें इसराइल ने हिजबुल्ला पर मजदल शम्स के ड्रूज शहर में मिसाइल से हमला करने का आरोप लगाया। दावा है कि यह खतरनाक हमला उस दौरान हुआ जब कई बच्चे फुटबॉल ग्राउंड में खेल रहे थे। इसराइल के मुताबिक इस मिसाइल अटैक में 12 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मरने वाले बच्चों की उम्र 10 से 20 साल बताई जा रही है। इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हैगरी ने दावा किया कि हमले में इस्तेमाल रॉकेट हिजबुल्ला की ओर से दागा गया ईरान का फलक 1 रॉकेट था। इस हमले पर लेबनान के हिजबुल्ला समूह का नाम आने पर समूह की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। लेबनान के इस्लामिक प्रतिरोध ने दावा किया कि इजरायल का आरोप बेबुनियादी है। समूह ने कब्जे वाले गोलन हाइट्स पर कोई हमला नहीं किया है। हिजबुल्ला ने अपने बयान में साफ कहा कि लड़ाकों ने उत्तरी इसराइल को दहलाने के लिए कई रॉकेट्स की बरसात की, मगर गोलन हाइट्स पर निशाना साधते हुए ऐसी कोई मिसाइल नहीं दागी गई। इस घटना के बाद इसराइल और हिजबुल्ला के बीच एक बड़े युद्ध की आशंका जताई जा रही है। इजरायली सीमा के करीब रहने वाले लोगों में काफी दहशत है। इस पूरे घटनाक्रम में अब ईरान भी कूद पड़ा है। ईरान ने गोलन हाइट्स पर हुए मिसाइल अटैक के ठीक अगले दिन इसराइल को बड़ी चेतावनी दे डाली। इसराइल के हिजबुल्ला को दोषी ठहराए जाने से गुस्साए ईरान ने साफ कहा कि लेबनान में इसराइल की ओर से किए गए किसी भी नए साहसिक काम से इलाके में अप्रत्याशित नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं, जिसकी किसी भी देश ने कल्पना नहीं की होगी। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा कि इसराइल के बयानों पर अन्य लोग ध्यान नहीं देंगे। इसराइल की कोई भी अज्ञानतापूर्ण कार्रवाई ऐसे मूर्खतापूर्ण व्यवहार के अप्रत्याशित परिणामों और प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होगी। इसराइल गाजा में अपने बड़े अपराधों से जनता की राय और दुनिया का ध्यान हटाने के लिए हिजबुल्ला पर दोष लगा रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने गाजा में नरसंहार की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसराइल के पास मजदल शम्स में हुई मौत पर टिप्पणी करने का थोड़ा भी नैतिक अधिकार नहीं है। हालांकि ईरान ने यह साफ कर दिया कि हमले में किसी ईरानी रॉकेट का इस्तेमाल नहीं किया गया था या प्रॉक्सी ग्रुप ने नागरिकों पर कोई गोला बारूद नहीं दागा था। गौरतलब है कि व्हाइट हाउस ने भी गोलन हाइट्स हमले की निंदा की है। इसके लिए हिजबुल्ला को दोषी ठहराते हुए कहा ये उनका रॉकेट था और उनके नियंत्रण वाले क्षेत्र से लॉन्च किया गया था। वॉशिंगटन हमले के बाद से ही इसराइल और लेबनानी अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहा है। ऐसे में ये देखना काफी अहम रहेगा कि आने वाले दिनों में इसराइल इस हमले की किस तरह प्रतिक्रिया देता है। मालूम हो कि हमले से तमतमाए इसराइल ने तगड़ा जवाब देने की भी कसम खाई है। खुद नेतन्याहू ने भी कहा है कि इसराइल इस जानलेवा हमले को नजरअंदाज नहीं करेगा।